आपके साथ। पूर्णिया प्रमंडल का सबसे बेहतर माने जाने वाला सदर अस्पताल क्या वाकई सीमावर्ती क्षेत्र में सबसे बेहतर है? इस बात की जानकारी सदर अस्पताल के अंदर व्यवस्था को देखकर लगाई जा सकती है। सदर अस्पताल के डायलिसिस का हाल बद से बदतर है। यहाँ मरीज गर्मी में नरकीय जिंदगी जी रहे हैं। सबसे पहला तो ये एसी किट चाहिए, क्योंकि डायलिसिस हो रहा है, हम कभी भी इस पर मर सकते हैं। तो ऐसे जगह पर हमको आराम से जीने के लिए मौका दिया दे सरकार, उसके लिए एसी है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा। मंगल पांडे आए ईटा से अपना पीठ ठोके, नीति आयोग आए वो भी अपना पीठ ठोक करके चले गए। लाख का लाख इस हॉस्पिटल को दिया है। हम लोग मूर्ख नहीं हैं, हम लोग हर जोता धोती पहनते हैं तो मूर्ख नहीं हैं, हम लोग जानते हैं कि कहाँ जाता है कैसे जाता है। एक ठो इसमें रेल जाने से साल 4 महीने है, रसीद देखिएगा तो मेरे बैग में। फिर भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ का टेक्नीशियन जो है, और जब हम पसेना से लथपथ हो जाते हैं तो वह हमारा पंखा झलता है कि हम मर न जाए कहीं, मेरे ऊपर आ जाए। ऐसी काम नहीं करता यहाँ, नहीं, आप पसेना पसेना है, आप अभी पसेना पसेना है, एसी के घर में है आप, कभी इसमें पोछा नहीं लगता है, ये लगा कर डिटॉल से या किसी भी प्रकार का दुर्गंध से भरा रहता है। झाड़ू 2 दिन पर पड़ता है, दूसरे तीसरे दिन बस बदतर। बाल्टी में देखिए, बाल्टी कर लीजिए फोटो, वहाँ देख लीजिए बाल्टी में कितना है। ये स्थिति है इस सदर पूर्णिया जिला का। जबकि यह लड़का अभी डांट के हमको कहा कि कहीं नहीं है सरकारी हॉस्पिटल, वास्तव में नहीं है। हमको दिल्ली में एम्स में कहा कि पूर्णिया जिला में लग गया, आप चले जाओ पूर्णिया जिला और वहाँ अपना डायलिसिस कराओ, इसका कोई विकल्प नहीं है। मैं भाग किया यहाँ आया तो ये दुर्दशा में है, नारकीय जीवन जी रहे। कितना दिन से यहाँ पे आप हैं? हम यहाँ पर